पता होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हैं। कर्म करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करना पाप रहित होता है। हर व्यक्ति के जन्म का उद्देश्य निहित होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति करना ही कर्म है। अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन करना ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। पूरे ब्रह्मांड, संसार, समाज, देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का अनुपालन करना आवश्यक है। परंतु ये भी सत्य है कि दुखों की उत्पत्ति भी कर्म से ही होती है। दुख उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है असक्त होना। जब हम किसी के प्रति अशक्त होते हैं तो हमारी अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। यदि हम किसी के लिए भलाई का काम करते हैं और वो व्यक्ति यदि कृतघ्न निकलता है तो हमें बहुत दुख होता है, जिसके कारण आप कर्म से दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्णा कहते हैं कि कर्म योग का मतलब ही है अशक्ति रहित कर्म। कभी भी कर्म के परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए।